हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट गर्ल। में कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके हैं कि हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद में जो मंडल है। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में दिया जाता है कि पहले मंडल में क्या है, दूसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में क्या है, यानी कौन से मंडल में क्या है, ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आज हम लोग दसों मंडल को डिटेल से पढ़ लेते हैं। कौन सा नवीन मंडल है, दूसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र जो है ये किस मंडल में दिया गया है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले तो कि मंडल किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। वेदों की संख्या कितनी है, तो चार है। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और सबसे बाद का वेद यानी सबसे नवीनतम वेद है हमारा अथर्ववेद। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद में मंडलों की संख्या दी गई है 10, यानी 10 मंडल है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये भी आता है कि सबसे पहले कौन सा मंडल बना था, यानी सबसे नवीन मंडल बताइए। तो देखिए ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल है पहला और दसवां। ध्यान से सभी लोग समझते हुए चलना है कि पहला और दसवां ये ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल है। अब जब नवीन मंडल है तो सबसे पहले भी कोई मंडल बना होगा, यानी सबसे प्राचीन मंडल। तो देखिए सबसे प्राचीन मंडल यानी कौन सा है, दूसरा और सातवां, ये सबसे प्राचीन मंडल है। अब बात कर लेते हैं इस मंडल को क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये दिया गया था कि किस मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं, तो कौन से हैं, दो से लेकर सातवें मंडल तक हम लोग इन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए इसमें तीसरे मंडल में क्या दिया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब बात ये आती है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, गायत्री मंत्र किसने लिखा था, तो किसने लिखा है, विश्वामित्र के द्वारा ये गायत्री मंत्र लिखा गया है। अब देखिए ये मंत्र जो गाया जाता है किस देवता को समर्पित है ना, तो ये किस देवता को समर्पित है, सावित्री देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। आप सभी ने सुना होगा गायत्री मंत्र कौन सा होता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्यो न प्रचोदया। ये हमारा है गायत्री मंत्र और ये किस देवता को समर्पित है, सावित्री देवता और सूर्य को समर्पित है। अब देखिए इसकी रचना भी हमने जान ली किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में ये भी याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं सातवें मंडल की, तो देखिए सातवें मंडल में क्या है, दसराज युद्ध का वर्णन दिया गया है। दसराज युद्ध जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो पुरुषुड़ी नदी यानी वर्तमान में उस नदी को किस नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं, और इसका प्राचीन नाम क्या था, पुरुषुड़ी नदी था। तो उसी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसमें विजय किसकी हुई इस युद्ध में, तो इस युद्ध में जो सुदास राजा थे इनकी विजय हुई थी और जिन लोगों के साथ युद्ध हुआ था उनकी पराजय हुई थी। तो दसराज युद्ध इसका वर्णन किस मंडल में मिलता है, सातवें मंडल में मिलता है। किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, तो पुरुषणी यानी रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। अब आगे बात कर लेते हैं सातवां मंडल भी हमने जान लिया, आठवें मंडल के बारे में देखिए। इसमें आठवें मंडल की सबसे पहले रचना जान लेते हैं किसने की, तो कर्ण और अंगिरस ने की है। दो ऋषि हुए कौन कौन से, कर्ण और अंगिरस, इन्होंने आठवें मंडल की रचना की। अब बात आती है कि आठवें मंडल में क्या है, तो देखिए आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो यहाँ पर आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं इनको एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया, खिल। अब क्वेश्चन कभी आए कि खिल जो ऋचाएं हैं इनका वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो आठवें मंडल में मिलता है। अब बात आती है नौवें मंडल की, तो देखिए नौवें मंडल में किसका वर्णन है, सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता को हम लोग वनस्पति देवता भी कहते हैं। क्वेश्चन दोनों तरफ से दिया जा सकता है कि सोम देवता का वर्णन किस मंडल में मिलता है या फिर वनस्पति देवता का उल्लेख किस मंडल में किया जाता है, तो कौन सा मंडल है, नौवां मंडल हमारा हो
हो जाएगा। अब हमारा सबसे अंतिम मंडल बचा हुआ है, कौन सा है? दसवां मंडल, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे दसवें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का मतलब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिया गया है कि किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो दसवें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और देखिए वर्ण व्यवस्था जो हमारा समाज यही तो है ना, कितने भागों में बटा है, कितनी जातियों में बटा है, तो वर्ण व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण व्यवस्था हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद के दसवें मंडल में मिलता है और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। तो ये थे दसों मंडल जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा तीसरा मंडल, नौवां मंडल और हमारा दसवां मंडल। इनको सभी लोग ध्यान रखेंगे। और पहला और दसवां ये नवीन मंडल है, दूसरा सातवां ये प्राचीन मंडल है, दो से लेकर सातवें मंडल तक इनको क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये हुए ऋग्वेद के प्रमुख मंडल। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आई लव यू।